तो भाई स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इन्फिनिक्स GT10 Pro 5G मोबाइल में दोस्तों आप व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने व्हाट्सएप को फिंगरप्रिंट के साथ लॉक करना, या दोस्तों आप अपने मोबाइल को ओनली फिंगरप्रिंट के साथ लॉक करेंगे, जैसे दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे, जब लोग दोस्तों आप अपने फिंगर सेंसर फिंगर को टच नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आपका कोई भी व्हाट्सएप ओपन नहीं कर पाएगा। तो यहां से दिखा देता हूं, दोस्तों यहां पे देख सकते हैं हम अपने मोबाइल में व्हाट्सएप को ओपन करेंगे और व्हाट्सएप को ओपन करते ही दोस्तों यहां पे देख सकते हैं 3 डॉट का निशान मिलेगा। तो आपको 3 डॉट के निशान पे क्लिक करना है और यहां पे आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहां पे प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। अब थोड़ा नीचे आ जाना है और यहां पे आपको फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको फिंगरप्रिंट लॉक के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहां पे दिखाई देगा फिंगरप्रिंट विद, दोस्तों यहां पे अनलॉक विद फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, उसके समेटिक आपको इनेबल करना। जैसे आप इनेबल करेंगे यहां पे फिंगर से फिंगर को टच करके स्कैन करवा लीजिए। तो यहां पे आपको वेरीफाई कर लेना है, जैसे ही वेरीफाई हो जाता है यहां पे बता रहा है कि आप यहां पे इमीडिएटली का ऑप्शन आएगा और यहां पे तुरंत दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारे मोबाइल में हिंदी में, तो यहां से आपको इमीडिएटली भी क्लिक कर देंगे। और दोस्तों अब आप बैक आ जाएंगे, अब अपने मोबाइल में व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं आपका व्हाट्सएप ओपन नहीं होगा। दोस्तों यहां पे कोई भी यहां पे स्क्रीन लॉक या दोस्तों आप पैटर्न पिन से ओपन नहीं कर पाएंगे जब तक दोस्तों आप फिंगर सेंसर को फिंगरप्रिंट से टच नहीं करेंगे। तो यहां से फिंगर सेंसर फिंगर को टच करते हैं और हमारा जो व्हाट्सअप देख सकते हैं यहां पे अनलॉक हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपने मोबाइल में आसान तरीके से व्हाट्सअप पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा पाएंगे। तो वीडियो सुनकर मिले, वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।